उत्तराखंड के जोशी मठ में लगातार जमीन खिसक रही है। लगभग 550 परिवारों पर संकट आ गया है। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आखिर जोशी मठ में ऐसा हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं अब जोशी मठ में आने वाली इस भारी तबाही के कारणों को। सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय को। दोस्तों, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में जब भारी प्लेट और हल्की प्लेट टकराती हैं तो हल्की प्लेट फोल्ड हो जाती है और भारी प्लेट नीचे धंस जाती है। हल्की प्लेट से हिमालय की रचना हुई है। दोस्तों, हिमालय विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यह सबसे कच्ची और अवसादी चट्टानों से निर्मित हुई है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, सदैव बर्फ से आच्छादित रहती है। साथ ही ग्लेशियर के कारण यहाँ पे हिमोड का निर्माण होता है, जिन्हें मोरेन कहते हैं, और हमारा जोशी मठ इसी मोरेन पर बसा हुआ है, जिससे यह धसाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। निर्माणकारियों ने इस धसाव की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है, जैसे एनटीपीसी का तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट, साथ ही अन्य निर्माण कार्य जो यहाँ सरकारों द्वारा करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं।